कि एक साल में 1 करोड़ नौकरियां। उस वक्त बोला था कि नौकरियां देंगे, लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि 1 साल में 2-2 करोड़ नौकरियां जा रही हैं। इतनी जल्दी तो गुलाटी बंदर भी नहीं मारता होगा जितनी तेज गुलाटी आज इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सत्ता में बैठी सरकारों ने मारी है। अपने आसपास देखिए, डिग्रियां लिए हमारे समाज के लड़के सड़कों पर घूम रहे हैं, डिग्रियां लिए भर्ती के कागज लेकर के हमारे समाज के लड़के लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नौकरियां है नहीं, नौकरियां हैं, इतनी है कि हर समाज को समाहित करेंगे तो भी कम नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर कमी है तो कमी है नियत की और सोच की। नियत इसलिए खराब है क्योंकि उनको पता है कि अगर कमेरा समाज आगे बढ़ गया तो सुख सुविधा से संपन्न बड़े बड़े पदों को खाली करना पड़ जाएगा और बड़ी बड़ी BMW कारों में जो घूम रहे हैं उनको टूटी साइकिल भी नहीं मिलेगी। वास्तविकता यह है और सोच ये रखते हैं कि पहले तो ये समाज के लड़के और लड़कियां बच्चे पढ़ने ना पाए, और अगर कहीं किसी गलत फहमी में या किसी भी गलती से शिक्षा मिल जाए तो नौकरियां ना मिलने पाए। सिर्फ डिग्रियां लेकर के या तो हमारे समाज के लड़के लड़कियां सड़कों पर दौड़ते फिरें और या फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि पहले तो प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी, और अगर प्रवेश प्रक्रिया हो गई तो हम रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, और अगर रिजल्ट घोषित कर देंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, और अगर अपॉइंटमेंट देंगे तो उसमें घपले कर देंगे, और अगर उसमें घपले कर देंगे तो ये समाज के लोग घपले को ही सुधार के लिए महीनों 3 महीनों 1 साल सड़कों पर बैठे रह जाएंगे। और आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। हम सहयोगियों के साथ पूरे दल बल के साथ उन शिक्षकों का समर्थन करते हैं कि अपना दल दंडो और झंडे के साथ आपकी हर लड़ाई में आपके साथ है। और हमारा नेतृत्व हमारी माताजी स्वयं 11,482 हर गांव से इकट्ठा किए गए हस्ताक्षरों को लेकर के स्वयं माननीय राज्यपाल के पास पहुंची है कि शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें तुरंत इन खामियों को दूर करते हुए समाज को उसका उचित अधिकार दिलाया जाए। आप देखिए, हम कहते हैं और फक्र महसूस करते हैं कि हमारे देश की पहचान दुनिया की राजनीति में कृषि प्रधान देश के रूप में है। लेकिन जरा एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि अगर हमारी पहचान दुनिया की राजनीति में कृषि प्रधान देश के रूप में है तो उसी कृषि से इस देश का खजाना भरने वाला ये किसान आज लगभग 4 महीने से दिल्ली की सरहद पर बैठे क्या खीर पूड़ी खा रहा है? खीर पूड़ी नहीं खा रहा है, वो विरोध कर रहा है इस निकम्मी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं। हम विरोध करते हैं और पूरे समर्थन में है अपने देश के किसान और अन्नदाता के साथ कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये अपना दल किसानों की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। आज इस देश में स्थितियां ऐसी है कि पहले तो किसान के पास कमाई नहीं है, खाने को पैसा नहीं, खाने के लिए रुपया नहीं है और तन पे कपड़ा नहीं है, और ऊपर से उसके ऊपर ये बाध्यता है कि 100 रुपए लीटर का डीजल लेके आओ और 10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली लेके आओ। हम आपसे ये कहते हैं कि 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, और अगर इस देश के किसान कमेरा मजदूर समाज ने ये केसरिया नीला झंडा तान करके हमारे साथ सड़कों पे उतरने का काम कर दिया तो वो दूर दिन दूर नहीं है जिस दिन अपना दल इस देश की इस प्रदेश की सरकार में 2022 में बैठेगा। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस किसान के घर पे जिसको धान खरीदना है, जिसको फसल खरीदनी है, वो झुक करके आएगा और आपका सामान लेके जाएगा, आपकी उपज लेके जाएगा, और आपके हाथों में ही अधिकार होगा और आपके हाथों के निर्णय में होगा कि आपको डीजल, बिजली, बीज, खाद, पानी सब उचित
मूल पे नहीं बल्कि उत्पादक मूल पे प्राप्त किया जाए, उसमें कोई प्रॉफिट ऑप्शन ना कमाया जाए। आज देखिए, अगर अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो शायद ही विरले कोई आदमी हो जिसकी जेब में 500 का नोट निकल आए। मंचासीन भी राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी बैठे हैं, अगर उनसे भी कहेंगे अपनी जेबें टटोल ले तो चिल्लर निकलेगा 20, 10, 50, 100। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार ने हैसियत ही ऐसी कर दी। 2000 के नोट तो आप लैमिनेट करा के घरों पे लगा लीजिए, क्योंकि जब कमाई नहीं है तो 2000 के नोट म्यूजियम में ही जाएंगे। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो समाज जो अपने घर का खर्चा 3 से 4 हजार में चला लेता था, आज सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, आज अरहर की दाल 140 रुपए किलो है, आज बिजली देख लीजिए कहां पहुंच गई है, बहुत कम में आना है तो देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेच बेच करके प्रधानमंत्री बच गए, वो आज चाय और दूध भी 2-4 रुपया महंगा हो गया है। तो सोचिए, हमारी ये जितनी भी मार है वो इस देश के किसान का मेरा समाज की जेब पर पड़ी है। तो महंगाई डायन तो हमको मारे जा रही है, और ऊपर से जिस प्रकार से कोरोना की बंदियां लगी हुई हैं, आधे लोगों का तो रोजगार चला गया है, और जिनके पास रोजगार है उनकी तनख्वाह में कटौती हो रही है। तो इतनी महंगाई में आप अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित करेंगे? बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, देख लीजिए ना, 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति लागू की गई है, स्कूलों में बच्चे आते नहीं हैं, पढ़ते हैं नहीं, तो मुझे बताइए मोबाइल पे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। हमारा समाज जिन क्षेत्रों में रहता है वहां पर आधे माता पिता को आधे अभिभावकों को यह पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लास होती क्या है, उनको ये नहीं पता है कि इंटरनेट हवा से आता है कि पानी से आता है, लेकिन सबको बोल दिया गया है कि महंगे महंगे मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज करा के बच्चों की पढ़ाई करा दो। वास्तविकता यह है कि 8 से 12 का समय जो स्कूल का निर्धारित किया गया है कि क्लासेस होंगी, कक्षाएं लगेंगी ऑनलाइन, उस दौरान बच्चे या तो वीडियो गेम खेल रहे हैं या यूट्यूब पे बकवास गाने सुन रहे हैं और या फिर मोदी जी के प्रवचन सुन रहे हैं। और ये स्थितियां तो महज 2 सालों की हैं। अब ये सोचिए, इस आजाद 70 वर्षीय भारत में हमारे दलित कमेरा समाज के बहुतेरे ऐसे बच्चे हैं वो जिस जगह पे रहते हैं वहां प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे कल्पना कर लें कि कल कमेरा समाज उन्नति की तरफ बढ़ेगा? अपना दल की ये सोच है कि अपना दल को अगर सत्ता में भागीदारी मिली तो हर समाज के लिए कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की जाएगी, ताकि हर समाज का बच्चा पढ़ करके आगे बढ़ सके। हम सर समाज की बात करते हैं, हम कमेरा समाज की बात करते हैं, तो आपको और हम सबको मिलकर के अपने इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा। देश में, इस देश में महिलाएं देवी के रूप में पूजी जाती हैं, माताएं मानते हैं, सर्व शक्तिमान मानते हैं और सबसे उच्च पद पर लिखते रखते हैं, लेकिन जब यही हमारी माताएं बहनें सड़कों पर निकल जाती हैं तो बलात्कार के रूप में, छेड़छाड़ के रूप में उनके साथ क्या शोभनीय व्यवहार नहीं होता है, ये हम सभी से छूटा नहीं है। और ऊपर से उसमें कोर में खास सुन लीजिए, इस देश के मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव क्या कहती है, वो कहती है कि ये सब तो कानून व्यवस्था का सवाल है। जी नहीं महासचिव जी, आप पूर्णतया गलत है। इस देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था का मसला है। अगर हमारे समाज की महिलाओं को भी पूर्ण
आरक्षण मिलेगा शिक्षा में, रोजगार में, सदन में, तो हमारी महिलाएं भी आपके इस व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और मैं सुनिश्चित करूंगी कि जिस दिन अपना दल और हमारा नेतृत्व सदन में पहुंचेगा, एक महिला होने के नाते मैं संपूर्ण महिला समाज को यह वचन देती हूं कि जिस दिन महिलाओं का ये नेतृत्व करने वाला दल सदन में पहुंचेगा, अगर समाज की एक महिला पर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंखें नोच करके कुएं फेंकने का काम कर दी। अपना दल का मिशन अधूरा, अपना दल का मिशन अधूरा, अपना दल जिंदाबाद, सभी लोग कहीं ना कहीं चट्टी चौराहे पर बैठ करके बात कर रहे हैं जातिवार जनगणना का, और अपना दल ये केसरिया नीला झंडा पूर्णतः समर्थन करता है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? इसलिए नहीं कि सिर्फ ओबीसी की संख्या उजागर हो जाए, इसलिए होनी चाहिए कि हमें पता चले कि अगर हम इस देश का सबसे बड़ा समाज है तो बड़े होने में भी कितने बड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ 52% पे ही रोक दिया गया है और असलियत में हम 72% हैं। अगर हम 72% हैं तो 27% आरक्षण से काम नहीं चलेगा, फिर तो डॉक्टर साहब की बात को लेकर के सर को ठोकर जाएंगे कि जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हो हमारी भागीदारी, और जितनी होगी हमारी भागीदारी इस देश और इस प्रदेश के निर्माण में होगी हमारी जिम्मेदारी। ये वचन आप सभी को देती हूं। और आप सभी लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहती हूं कि विषय बहुत से हैं, और अगर बोलने का कार्यक्रम चलता रहा तो अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर हैं, उनका संबोधन सुनना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बातों को 2 से 4 मिनट में समाप्ति की ओर ले जाते हुए ये कहना चाहूंगी कि देखिए, समझ लीजिए, आज यहां पर इतने बड़े जन समूह के बीच में मैं एक वादा देने आई हूं और आप लोगों से एक वादा संकल्प लेने आई हूं। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल और राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल की बेटी डॉक्टर पल्लवी पटेल, आप सभी को यह वादा देती हूं और संकल्प लेती हूं कि जब तक मेरे इस शरीर में आखिरी लहू की बूंद रहेगी और जब तक मेरी सांसें चलेंगी, इस केसरिया नीले झंडे को ना मैंने झुकने दिया है और ना झुकने दूंगी, और इसको उस शिखर तक पहुंचा के मैं ठंडी सांस लूंगी जिसकी कल्पना करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के आप सभी सिपाहियों ने अपना दल की नींव 4 नवंबर 1995 में रखी थी। और आप लोगों से ये वादा चाहती हूँ और संकल्प चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी इस बहन का पूरी ताकत से सदन सड़क से लेके सदन तक साथ देने का काम किया तो विश्वास करिए, पिछली पंक्ति में बैठे इस कमेरा समाज को सदन की आगे की पंक्ति में बैठाने का काम कर दूंगी। तो बताइए कि आप सब इस लड़ाई में पूरी ताकत से खून बहाने के लिए हमारे साथ चलने के लिए वादा और संकल्प मुझे देते हैं? और तेज आवाज लगाइए कि संकल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी इतनी तादाद में आए, आपने ऊर्जा बढ़ाने का काम किया, और आप सभी को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपकी एक एक इच्छा को पूर्ण करने की शपथ लेते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदा लेती हूँ। नमो बुद्धाय, जय अपना दल।